नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है WWE न्यूज़ हिंदी चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को और अपडेट रहिए हमारे साथ। WWE रो में इस हफ्ते फैंस को एक ज़बरदस्त ट्रिपल ट्रीट मैच देखने को मिला। रो के सबसे बड़े स्टार्स की लिस्ट में शामिल रोमन रेंस, समोआ जो और ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग में एक दूसरे पर हावी होने के लिए मौजूद थे। रिंग में तीनों रेसलरों के बीच एक ज़ोरदार मुकाबला देखने को मिला। मैच की बेल बजते ही ब्रॉन स्ट्रोमन अपने विरोधियों रोमन रेंस और समोआ जो पर हावी हो गए। समोआ जो ने ब्रॉन स्ट्रोमन को कोकीना क्लच का शिकार बनाया। रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमन और समोआ जो ने एक एक करके अपने फिनिशर्स लगाने की कोशिश की। आखिर में रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच और स्पीयर मारकर जीत हासिल की। ट्रिपल ट्रीट मैच से पहले रोमन रेंस की जीत उनके समरस्लैम मैच के लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। इस जीत की वजह से रोमन रेंस को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलेगी। रो के ट्रिपल ट्रीट मैच में जीत हासिल करने के बाद रोमन रेंस ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। रोमन रेंस ने लिखा, मुझे अपने रिज्यूम के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं हमेशा रिंग में जाकर अपना एक्शन साबित करता हूँ। आपको बता दें कि रो के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि समरस्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर का सामना एक फोर वे फैटल मैच में होगा, जिसके बाद इस हफ्ते के लिए तीनों स्टार्स के बीच ट्रिपल ट्रीट मैच का ऐलान किया गया। ज्यादा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए WWE न्यूज़ हिंदी चैनल को।